गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मजे में। ये वो चूड़ियां जो मैंने ईद पे पहनी थी पहले दिन, तो मैंने कहा मैं आप पहन के आ जाऊं शो में। कैसी गुजरी ईद? मजा आया? हाँ, इंजॉय किया? ईदी जमा की? तो सारे सवाल है ना एक साथ। वैसे हमारी खवातीन जो है ना वो पूरा साल काम करती है, जो घर में रहती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ एक्चुअली, पूरा साल काम करती हैं। बच्चों की परवरिश, खाना बनाना, घर की सफाइयाँ, अलमारियाँ साफ करना, घर की झाड़ पोंछ करना, शॉपिंग करना, बाजार जाना, खाने बना के अपने अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस भेजना, इस्त्रियाँ करना, कपड़े धोना, कपड़े सिलाई करना, और ना जाने क्या क्या काम है जो निकलते आते। कभी स्टोर की सफाई निकल आती है, तो कभी पंखों की सफाई निकल आती है, कभी प्लम्बर भाग गया, कारपेंटर भाग गया। सबके पीछे बस हमारी जो प्यारी सी औरत है वही तो काम करती रहती है। और मैं कहती हूँ कि जो हाउसवाइफ है और ये जो वर्किंग लेडी है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग लेडी तो हाउसवाइफ भी होती है, बल्कि वर्किंग लेडी हाउसवाइफ ज्यादा होती है, क्योंकि उसके सर पे सारी जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि वो काम नहीं करती है ना बाहर जाके, यानी कि वो घर में काम करती तो सब समझते हैं तुम करती क्या हो। तो चलो, कोई जरूरत नहीं मासी रखने की। आपको पता है कि जो बीच में संडे की छुट्टी आती है, सैटरडे की छुट्टी आती है, ये आपको एक ठंडी हवा का झोंका देती है कि आप सांस लेके अगला हफ्ता बेहतरीन तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखा सकें, अपना काम कर सकें। लेकिन ये जो ठंडी हवा का झोंका है, जो हमारे घर के मर्द जो हैं बड़े मजे से ले लेते हैं, ये आप लोग तो नहीं ले पाते। क्यों 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 नहीं ले पाती? क्योंकि आपको सैटरडे तो दूर की बात, संडे की भी छुट्टी नहीं मिलती। क्या ऐसा हुआ है कभी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों के बाद, शादी के बाद पूरा संडे सुबह से लेकर रात तक आप बस सोती रही हो, जैसे अम्मी के घर सोया करती थी? याद है एग्जाम्स के बाद के दिन, जब आप लोग दो दो दिन तक आपको होश नहीं होता था कि कब उठना है, कब खाना है, कब पीना है, कब कोई घर का काम करना है। मगर अब आप ऐसा नहीं कर सकती। हर इम्तिहान, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे वो मियाँ के ऑफिस का हो, चाहे वो किसी भी ससुराली इवेंट का इम्तिहान हो, उसको सर करने के बाद कभी भी आपको पूरा संडे सोने को नहीं मिलता। क्या मैं दुरुस्त हूं? आपको पता है पूरे वेस्ट में जो उनकी उम्रें लंबी लंबी है ना, उसकी एक रीजन है उसके पीछे, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद उनको छुट्टी, उनको वेकेशन जरूर चाहिए होती है, चाहे वो कहीं भी जाए, अपनी जेब के हिसाब से वो अपने मुल्क में ही रह के घूम लें, वो अपने शहर में ही रह के घूम लें, वो मुल्क से बाहर चले जाएं, मगर उनको एक जो इर्द गिर्द का माहौल है उससे चेंज चाहिए होता है, और वो अपने पैसे जमा करते हैं उस वेकेशन के लिए। ऐसे नहीं होता कि लॉकर्स में बंद करके रख दिए जी जेवर, और जेवर बनाई जा रही हैं, पहने नहीं जा रही, सिर्फ बनाई जा रही है कि हाँ भाई बेटी को देना है, हाँ भाई बेटे की बहू आए, बीवी आएगी तो उसको देना है, हाँ भाई प्लॉट लेना है। क्यों सेंध सेंध के रख रही है? क्या पता कल हम जिंदा हो या ना हो। तो मैं ये कहती हूँ, एक गुल्लक बनाए, उस पर लिख दें वेकेशन, उस गुल्लक में अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे जमा करें, किसी प्लॉट खरीदने के लिए नहीं, कमेटियां डालें, कोई जेवर खरीदने के लिए नहीं, बल्कि वेकेशन पे जाने के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप फ्रेश हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब मैं नए सिरे से काम शुरू कर सकती हूँ। आप देखिए, जब वेकेशन के बाद आप आएंगी, आपका घर बहुत गंदा लगेगा, आप उसकी नए सिरे से सफाई करेंगी, आप एक नए सिरे से सोचेंगी मैं अपने बच्चों को अब इस तरीके से पढ़ाऊंगी, आप सोचेंगी अब मैं नई नई डिशेज घर में पकाऊंगी, आप सोचेंगी कि अब मैं ये पर्दे चेंज कर दूंगी, खुद सीऊंगे पर्दे, आप सोचेंगी कि ये अब जो टेबल है ये अब बेच के मैं सेकंड हैंड दूसरी टेबल ले लूंगी, लेकिन घर की सेटिंग चेंज करनी है। तो ये जो नयापन आता है, इससे आपकी जिंदगी नई हो जाती है। बहुत सारी खवातीन घर में रहती हैं, वो तो समंदर पे भी टहलने नहीं जाती, वो तो फिल्में देखने भी नहीं चाहती। तो अगर आपके बजट नहीं है तो दिल पे ना ले मेरी बातें। आप बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई हैं इस ईद पर, आपको मौका मिलेगा कि आप जाएं सिनेमा में। मुझे क्या लगता है, सिनेमा की सबसे सस्ती एंटरटेनमेंट है,
सिनेमा जाके देखिए, इतनी जबरदस्त फिल्में जो रिलीज हुई हैं पाकिस्तानी, जाके पॉपकॉर्न खाइए, कोल्ड ड्रिंक पिए, अपने पैसे बचाइए और थोड़ा सा टिकट देकर फिल्म देख के 2.5 घंटे के एंटरटेनमेंट तो लेकर आए हैं। चलिए, एक दिन की वेकेशन तो मिली आपको। तो जनाब, मैंने तो आपको मशवरा दे दिया आपने क्या करना है, बाकी आपकी जिंदगी है, आप जाने और आपका काम जाने। मैं चाहती हूँ कि आपको हंसता मुस्कुराता देखूं, और हंसने और मुस्कुराने का ताल्लुक मोहब्बत से होता है, जो एक दूसरे को, फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे से होती है। आज मैं अपने शो पे ऐसे ही फैमिली मेंबर्स को बुला रही हूँ जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ एक दूसरे को काम में सपोर्ट भी करते हैं। और जब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम वजूद में आते हैं। बड़े दिनों से आपके कानों में ये वजूद 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 ये घूम रहा है, हालांकि हम आम लफ्जों में जब हम घर में बात कर रहे होते हैं तो हम वजूद जैसा भारी अल्फाज यूज नहीं करते। हाँ, अब वजूद का मतलब क्या होता है, वजूद का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? मैं बताती हूँ, ये जो वजूद जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब है एक जबरदस्त एंटरटेनिंग ग्लैमर से भरी हुई फिल्म, 12 मसाले की चाट, आपके फेवरेट हीरो, आपके फेवरेट एक्टर जावेद शेख ने ये फिल्म डायरेक्ट की है और उनकी बेटी और बेटे ने ये फिल्म प्रोड्यूस की है। मोमल शेख और शहजाद शेख ने इसको प्रोड्यूस किया है और आज हमारे शो पर दोनों हीरोइनों को अपने बाजुओं में लिए यहाँ हमारे पास पहुँच गए ताकि हम उनसे वजूद की डेफिनेशन एक्चुअली पूछ सकें कि ये जो वजूद है इसकी डेफिनेशन क्या है, और हम अगर वजूद देखने चाहें, हमारी ख्वातीन अगर रिलैक्सेशन के लिए वजूद देखने जाएं तो क्यों जाएं। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे इस बहन भाई के जोड़े को अपने फिल्म की हीरोइंस के साथ और पूछेंगे ये वजूद वजूद क्या है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना खूबसूरत शो देखने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार खूबसूरत ग्लैमरस चेहरे मौजूद हैं। हाँ भाई, तीन लड़कियां और एक लड़का, मगर मैं उसको भी इसलिए ग्लैमरस कहूंगी क्योंकि उसका ताल्लुक ही इतनी ग्लैमरस फैमिली से है कि वो ना चाहते हुए भी नॉन ग्लैमरस लग ही नहीं सकता। कौन सा ड्रामा ऐसा नहीं है जिसका हीरो आजकल वो ना हो, हर चैनल आप लगाएंगे तो कोई एक ड्रामा तो होगा उस चैनल पर जिसमें वो हीरो होगा, और मैं तो उसका एक ड्रामा बड़े शौक से फॉलो कर रही हूँ। मैं तारीफ करूंगी कि बहुत देखते देखते इतना अच्छा वो एक्टर बन गया, बिल्कुल अपने अब्बा के नक्शे कदम पे चल रहा है। ये तो हो गई जी उस मेल एक्टर की तारीफ, जिनको मैं अभी यहाँ बुलाने वाली हूँ, बल्कि मैं पहले ही उनको बुला लेती हूँ क्योंकि तीन लड़कियां ऐसा ना सोचे वो कि पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया, पहले मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो आइए वेलकम करते हैं जावेद शेख के सबसे बड़े बेटे, वेरी टैलेंटेड शहजाद शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। शहजाद, रुक तो जाओ, बस ये आपकी तालियां, आपको पता क्यों बज रही हैं? बहुत शुक्रिया। जो आप फरिश्ता सिफत लोगों के कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं ना, उससे आपको ना आवाज वहां बिठा देती है, क्योंकि ड्रामों में तो इतने शरीफ लड़के होते हैं लेकिन असल में क्यों नहीं नजर आते, इतने शरीफ लड़के कैरेक्टर ऐसा होता है, किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखते। मैं असली में इतना शरीफ हूं बाकी। चले, मैं ये पूछने के लिए, ये बात पूछने के लिए मुझे किसी अपने को, किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार को बुलाना पड़ेगा ताकि जरा इस बात पर ठप्पा लग जाए। तो आइए वेलकम करते हैं जावेद शेख की टैलेंटेड बेटी मोमल शेख, वजूद की प्रोड्यूसर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अभी ईद हुई यार, मतलब है ना, इतनी सी बच्ची के कंधों पे यार प्रोडक्शन का बोझ,
हाय तुम्हारी मसाज कर दूं मैं प्रमोशन और आप जानती हैं ये हाँ ये बात तो मैं समझती हूँ. अच्छा एक बात जो ये बड़ी तालियां बजा रही हैं खवातीन शहजाद के पीछे दीवानी हुई हुई हैं सुनिए क्या ये जो ड्रामों में इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे हैं ना ये शरीफ लड़के हाँ. आंखें उठा के नहीं देखना चाहे कितनी लड़कियां लाइन में मारे किसी को कोई लिफ्ट नहीं कराना बस शरीफ लड़की को लिफ्ट कराना ठीक है असल में ऐसे ही कभी कभी तुमसे फोन नहीं करवाया सुनो रुखसाना को फोन मिला दो बचपन में तो बड़ा हुआ है ये हाँ तो सुधर कैसे गए क्या हुआ बस हिना शादी के बाद तो बिगड़ते हैं लोग यहाँ उल्टा हुआ है सुधर गए. अच्छा एक्साइटेड है आप लोग फिल्म माशाल्लाह सिनेमाज में आ चुकी है रश लगा हुआ है और ऐसा होता था एक जमाने में अब्बा प्रोड्यूसर हैं तो अब्बा की फिल्म आ रही है अब आप लोगों की फिल्म आ रही है बिल्कुल बिल्कुल तो वो वाओ फीलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आफ्टर मोर देन अ डेकेड आपने खुद डायरेक्ट की है मूवीज तो यू नो उसकी एक्साइटमेंट अलग है और मैंने उनकी क्योंकि उस जिस जमाने में वो डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त हमारी फिल्म रिलीज हुई थी तो मैं उनको देख रही थी वो कितनी मेहनत से कितनी मुशक्कत से और हर चीज परफेक्शन होनी चाहिए पैकअप कर देना अगर नहीं हुई वो चीज कितना खूबसूरत शूट किया है जी माशाल्लाह. मैं तो आज जाने वाली हूँ देखने और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी जाने वाले हैं. आप सब लोग भी जाइए और देखिए वजूद इट्स इन सिनेमास राइट नाउ एंड आई एम श्योर अपनी फैमिलीज को लेके जाएं अपने दोस्तों को लेके जाएं एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लाइक इट. और अगर आप निदा बाजी को आज निदा बाजी को अगर आज आप देखना चाहते हैं तो आप उनको हंट कर सकते हैं सिनेमास में जाके अगर जी चाहते हैं ढूंढे वजूद की टिकट ले लीजिए और मैं खड़े होकर तालियां बजाऊंगी तो आपको मैं नजर आ जाऊंगी आराम क्योंकि मैं गारंटीड मुझे पता है जिस तरह मैं जानती हूँ जावेद साहब को उनकी थिंकिंग किस तरह की है तो हमें उन पे इतना ट्रस्ट है कि वो तो अच्छी फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह और सब देखने जाएंगे. सिनेमा सब पूरे पाकिस्तान के सिनेमाज में लग चुकी है जाइए अपनी फैमिली के साथ फुल एंटरटेनमेंट ये नहीं कि बच्चों को घर छोड़ के चले जाएं सब बच्चों को अच्छी लगेगी सब बुजुर्गों को अच्छी लगेगी सब जवानों को अच्छी लगेगी फैमिली इंटरटेनमेंट बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा तो ये जो वो जो फिल्म की हीरोइनें हैं ना बड़ा मजा आता है हीरोइनों को देखने में खास तौर पे तो क्या ख्याल है इससे पहले कि आप फिल्म देखने जाएं जो मेरे नाज़रीन यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए कह रही हूँ मैं आपको उन हीरोइनों की झलक क्यों ना दिखा दूं तो आइए वेलकम करते हैं वजूद की हीरोइन जिनको आपने पहले किसी फिल्म में नहीं देखा पहले किसी ड्रामे में भी नहीं देखा बिल्कुल ये क्रेडिट जाता है जावेद साहब को कि वो इनको इंट्रोड्यूस करके लाइक सईदा जो है वो मॉडलिंग करती थी लेकिन किया हुआ है एक, हाँ, एक ड्रामा किया हुआ है और इसने फिल्म पहली है ये फर्स्ट फिल्म है और जो रिलीज पहली हो रही है रिलीज पहली और अदिति जो है वो खास तौर पे पड़ोसी मुल्क से आई जी बिल्कुल और देखना ये कि क्या टैलेंट है ऐसा कि उनको कास्ट किया गया है. आइए वेलकम करते हैं सईदा इम्तियाज एंड अदिति. अच्छा मुझे इतना मजा आया अदिति ने आते ही ना अदिति हम सलाम भी करते हैं तो अदिति ने आते ही आदाब किया बिल्कुल लखनवी तरीके से क्योंकि इंडिया में जितनी भी फिल्में बनती हैं और उसमें जब मुसलमान दिखाते तो वो सब आदाब जनाब. अच्छा अदिति सलाम भी करती है हाँ, हाँ, नहीं अभी अदिति ने आके बिल्कुल लखनवी तरीके से आदाब किया है जैसे इंडियन फिल्मों में होता है. और अदिति की सबसे डिफरेंट बात ये है कि उसकी उर्दू जो है वो प्रति काफी साफ बाकी सईदा फंस जाती है. तो अदिति को ट्यूशन दिए हैं जावेद साहब ने उर्दू की है तो मैं तुम्हारी उर्दू पहली अच्छी पहले से काफी अच्छी थी क्योंकि मेरे नाना साहब गजलें सुना करते थे जब मैं बच्ची थी तो तुम्हारी तो दिमाग में सारी गजलों के मोटे मोटे अल्फाज होंगे. बिल्कुल उसका मतलब कैसे ढूंढा मतलब वो ही समझा देते थे कभी लफ्ज आ जाते थे तो पूछती थी कि नाना ये क्या है तो वो बैठ कर समझा देते थे कि बेटा ये है वो है तो कर करा के फिर समझ आ गई. अच्छा अदिति ने कैसे सोचा कि मैंने फिल्म में काम करना है और जावेद साहब से कैसे मिली अदिति को. अच्छा बता सॉरी तो मुझे एक्टिंग का तो बचपन से शौक था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से है. अच्छा अपनी फैमिली में तीसरी जनरेशन हूँ जो फिल्मों में काम कर रही है और बाकी कौन है जी बाकी मेरे नाना हैं जो डायरेक्टर थे
तो धर्मेंद्र के साथ उन्होंने फिल्में बनाई हैं, किशोर कुमार के साथ बनाई हैं। अच्छा। देन मेरे मामा हैं जो एक्टर हैं, काफी फिल्मों में उन्होंने लीड काम किया। अम्मी या मामू? मामू। मामू, अच्छा। मामू। हाँ। और मेरे फादर भी बहुत फिल्मों में आ चुके हैं, आमिर खान के साथ। ये मेरा डेब्यू विद पद्मिनी कोल्हापुरी एट दैट टाइम। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा, तो मैं थर्ड जनरेशन। आपको अदिति के साथ मेरे ख्याल से एक अलग भी शो करना पड़ेगा। यही मैं सोच रही हूं। बिल्कुल सही था, सही था। बेटा सोशल मीडिया पे हम तुम्हें इतना देखते रहते हैं, हम सब कुछ जानते हैं तुम्हारे बारे में। लाइक मैंने ड्रामा देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ ऐसे, क्योंकि जब भी सईदा ने कोई अच्छे कपड़े पहने होते हैं उसकी तस्वीर आ जाती है। देखिए तो आप वैसे ही मशहूर हैं सोशल मीडिया पे। तो सईदा जो है कैसे सोचा कि मैं इस फील्ड में आऊँ और क्या फिल्म करूँ, ये कैसे डायरेक्ट? मुझे एक्चुअली बचपन में शौक था, और जब मेरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तो महरीन जबार न्यूयॉर्क में होती थी। अच्छा। तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ और ड्रामा करना चाह रही हूँ। तो महरीन के प्लेज अच्छे लगते थे। हाँ, और वो न्यूयॉर्क में बेस्ड थी, तो फिर मैं मिलने भी गई थी, और मुझे उस ड्रामे में उन्होंने बोला था कि एक शॉट आपको मिलेगा। अच्छा। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लूंगा, एक शॉट। हाँ, एक शॉट भी चलेगा। मैं घर वापस आई तो मॉम कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यू नो कॉलेज कर रही हो और यू नो कर क्या रही हो, तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करो और कैसे है। तो मैं बहुत यू नो बहुत लाइक जिद्दी हूँ और पैम्पर्ड भी हूँ। अच्छा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या है। अच्छा, मैंने किया नहीं। बट देन जब मैं पाकिस्तान आई, पाकिस्तान में जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ रहना है और मुझे काम करना है मीडिया, तो मैंने मॉम को कॉल करके बोला कि आई यू नो मुझे मीडिया के अंदर काम करना है और मैं करूँगी। तो मॉम कहती कि शी वॉज नॉट हैप्पी बट शी वॉज लाइक अच्छा अभी पाकिस्तान। जावेद साहब तक कैसे पहुंची इनके? मैंने इससे पहले एक फिल्म की थी। अच्छा। वो अभी रिलीज नहीं, जो अभी रिलीज नहीं हुई, जो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से होल्ड पर हुई, जो पाकिस्तान हमने होल्ड कराया। पहले वजूद आएगी, इंट्रोड्यूस हम करेंगे, उसके बाद किसी को क्या बताओ। प्रोड्यूसर बहुत पोजेसिव हैं हमारे। तो उन्होंने मुझे आई थिंक तनवीर भाई ने बोला था कि जावेद सर ने ही न्यूज़पेपर में आई थिंक उसी फिल्म की कोई न्यूज आई थी। ओके। जिसमें उन्होंने मेरी पिक्चर देखी। हाँ। और उन्होंने पूछा कि ये लड़की कौन है। अच्छा। तो उन्होंने फिर ये बोला कि इस लड़की ने पहले एक फिल्म की है जो रिलीज, फिर तुम यहाँ तक पहुंची। अरे बड़े इनके ऑडिशन लिए? बिल्कुल, दोनों के। अच्छा, खाली जावेद साहब ने लिए या तुम लोगों को भी बुलाया? जरा आओ, जरा देखो सेकंड ओपिनियन। अभी ऑडिशन जब हो रहे थे तो आई थिंक मैं ऑफिस में था। अच्छा, ये तो स्काइप पर हो रही थी बल्कि। अच्छा, मैं इंडिया में थी एंड सर वहाँ पर थे एंड वो एक स्क्रीन पे मैं ऑडिशन दे रही थी। हाँ। और अदिति से मैं पर्सनली मिली थी क्योंकि मैं फिल्म कर रही थी। हाँ। बाबा भी हम दोनों एक साथ शूट कर रहे थे। हाँ। तो जब मिलने आई तो हम लोग हमारी मुलाकात वहाँ पे इंडिया में हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब हम वी वर हंटिंग फॉर दिस कैरेक्टर। अच्छा, सुनो, जब एक्टिंग का ऑडिशन तो जाता है, डांस का ऑडिशन क्या? डांस करवा के ले आ जाते? नहीं नहीं नहीं, वो भी आपके क्लिप्स बनते हैं जी। और जब अदिति ने बना के भेजा तो वी वर ऑल लाइक बहुत अच्छे डांस करती है। देखिए, हम आपको हल्का हल्का टीज करेंगे, थोड़ा थोड़ा अदिति का डांस दिखा के, लेकिन एक्चुअल डांस देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा वजूद सिनेमा। सिनेमा जाइए अपनी फैमिली के साथ और देखिए वजूद। आइए भाई बैठिए, तशरीफ रखिए प्लीज। आदिति प्लीज, मेरी टीम कह रही दो मिनट खड़ा कर लेते तो हम ब्रेक पे चले जाते। मैंने कहा अब वो लोग क्या सोचेंगे कि मेहमान आया और बिठाया भी नहीं। प्लीज, आपको पता है ये हम दोनों तो घर वाले हैं। घर वाले हैं। और ये भी नहीं, मैं घर वाली। ये तो घर वाली है हमारी। हाँ हाँ, क्योंकि तुम कभी कभार आ गया। ये मैं बताऊँ लास्ट कब आए? यहाँ कब आए? जब आपकी शादी नहीं हुई थी, आप दोनों बहन भाई आए थे और हमने आपके साथ और हमने शहजाद को सहरा पहनाया, जो हम कर सकते थे हमने की। ये बेचारा उस वक्त नया नया था, इसे सब बर्दाश्त करके घर तो लिया। उसके बाद जब मेरी टीम फोन करे, इसने आप आ सकते हैं, मैं पता नहीं बता फलाने लाख रुपए लूंगा। मैंने कहा है अल्लाह यार, मैं भेज दूं क्या? मैंने पकड़ लिया। मैंने जब शो खत्म हो गया, मैंने कहा यार कितना सीधा ये जावेद शेख का बेटा है, चेहरा भी पहन लिया बेचारे ने, सब कुछ कर लिया और इतना प्यारा इन्होंने शो किया था हमारे साथ। अभी वाओ, अभी उसकी पिक्चर्स टेक होती है, उसकी एपिसोड की पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। तुम दोनों की केमिस्ट्री ना, मैं इतना मिस करती हूँ इनको, बार बार बोला। आज मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा यस
थैंक्स टू वजूद. अच्छा लोग क्यों जाए फिल्म देखने, क्या स्टोरी है? इनसे पूछो ये सब बता दे. हमें ट्रेन किया पूछे. अच्छा वो बता दो वन लाइन के लोग तड़पते हुए देखने चले जाए. देखिए इट इज रोमांटिक थ्रिलर विद अ लिटिल बिट ऑफ ब्लड. उसमें थोड़ा खून खून खराबा भी है जी, पर लव स्टोरी है. अच्छा जब हम ट्रेलर्स देख रहे हैं उससे लग रहा है कि ऐश है दानिश तैमूर की, एक तरफ एक हसीन लड़की है. तो देखा दानिश को इस बार हम मौका देंगे राइट एंड लेफ्ट एंड यू नो लाइक दो लड़कियां कौन होगी असल में. यही तो सस्पेंस है फिल्म का कि एंड में क्या है. अच्छा बट दे इक्वली हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एंड कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू. हां टर्की में शूट हुई है. टर्की में शूट हुई है. ज्यादातर इसका पोर्शन टर्की में शूट. 50% 50% इज इन 60% नो 60% लिटिल मोर लिटिल मोर. इसलिए भी क्योंकि हम जब अदिति का गाना कर अदिति वो याद है तो हमारे जब हम पहले स्पेल में गए थे तो बारिश एंड ऑल ऑफ दैट तो बहुत बिकॉज ये एक जगह है रेजे टर्की के अंदर. And it is beautiful. Reze. Reze. हम नहीं गए. Every time I hear about it, that I miss it. I know. मैं याद है बहुत. पूरा जगह पहुंच नहीं पाया था ना Reze में. शहजाद पहुंचा था अंतालिया में. So he missed. मैं बहुत जैसे पुरानी फिल्मों में होते थे बाबूजी परदेसी बाबू आप कहाँ चले गए. वो वाली जगह है. ये वो वाली जगह. पीछे समंदर ऊपर पहाड़. ओ वाओ. ऐसा लगा कि मैं एक के अल्लाह मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें वाकई में शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने इतनी हसीन दुनिया बनाई हमारी. बिल्कुल. और कोई दिल में गम ना करें अगर आप रहते नहीं जा सकते, टिकट के पैसे नहीं है, हैं होटल के पैसे नहीं है. जावेद शेख ने इसीलिए आपके लिए फिल्म बनाई है कि वो पूरे पाकिस्तान को दुनिया का खूबसूरत हिस्सा दिखाए. आइए जी एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इन सब के साथ बड़े मजेदार सा शो करते हैं. लेकिन मुझे आपसे एक वादा चाहिए. ब्रेक के बाद सारी ब्रेक्स खत्म होने के बाद शो खत्म होने के बाद फौरन से पैकअप करें, घर में सब कुछ समेटें और चले जाइए वजूद देखने के लिए. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप देख रहे हैं वजूद के प्रोड्यूसर्स शहजाद शेख, मोमल शेख, अदिति और सईदा इम्तियाज हमारे साथ है शो पे. और ये बेबी भी है. एक्चुअली देखिए हमने तो फिल्म अभी तक नहीं देखी ना, तो हमें जो समझ आया कि ये जो बेबी है वो शायद बेबी इसको बोला गया है. तो हमें तो नहीं पता बेबी किसको बोला गया और हम आपको बताना भी नहीं चाहते कि बेबी किसको बोला गया. ये तो आपको फिल्म जाके देखनी पड़ेगी कि बेबी एक्चुअली फिल्म में है कौन. तो ये दो बेबीज, एक बेबी हमें यहाँ नजर आ रही है और तीन बेबीज इधर भी हैं. ये तो वो बेबी थी जिसको किसी ने कोई लिफ्ट नहीं कराई क्योंकि उसको देख के प्यार ही नहीं आया. जब तक आप फील नहीं करेंगे बेबी को कैसे प्यार आएगा. तो आइए मैं आपको ऐसी बेबीज देती हूँ, बेबीज नहीं सॉरी बेबी देती हूँ जिसको देख के आपको प्यार आए. और फिर ये गाना जब आप बेबी के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं. आप उसे सुला भी सकते हैं, खिला भी सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाना लगाइए, मैं आपको करके बताती हूँ. जी गाना लगाइए, पहले होस्ट गिनी पिग बनेंगे. We'll be right back.
क्या कहते हैं आप लोग, बेबी को किसने ज्यादा अच्छा संभाला, उसके गुर्दे वुर्दे सब हिल गए बेचारे, हिला हिला ज्यादा अच्छा किसने संभाला बेबी को, अदिति ने, साइदा ने, मोमल ने, या शहजाद ने? देख लीजिए आप सारे बेबीज अब मेरे तुम संभालोगी, अब मोमल जीत गई और शहजाद ने बिल्कुल बेबी को ऐसे संभाला जैसे आपके हस्बैंड संभालते हैं, अजब बेगमार बिना तो यही प्रॉब्लम हाँ ये अपना बेटा भी नहीं लेता गोद नहीं सुलाते हो कभी हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा बेटा माई गोद में सो गया? अच्छा अच्छा संभालता है वैसे यूजुअली हिना के साथ ही सोता है, मुझे देखते हैं मामा सारे एक्चुअली सारे लड़के अम्मा के होते हैं, आप अपनी अम्मा के हैं और आप अब्बा की हैं यार दोनों ही अम्मा के, नहीं आई मीन 50-50 आधा आधा लेकिन फिर भी लड़कों की अटैचमेंट ज्यादातर अपनी माँ से होती है, ये वाली बात तय है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये दोनों बहन भाई, बल्कि पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप दोनों बहन भाई लड़ाकों में शुमार होते थे या एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड होते थे? लड़े थे हाँ, अरे हाँ मैं पूरा पोल अभी खुलवाऊंगी। अदिति तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहते, तुम बाहर से आई हो तो तुमने देखा कि कितना लड़ते हैं, ज्यादा हुक्म कौन चलाता है किसके? और शहजाद चलाने देता है बट एक्चुअली वो हुक्म नहीं चला रही होती, शहजाद को जो चाहिए होता है वो करता है, वो करता है, बस उसका फेस इनोसेंट है ना हाँ। उसमें कोई इंजाम नहीं आता। ओ थैंक यू अदिति, तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशन है? वो रहती है पर आई थिंक वो लड़ाई भी होती है, दैट्स प्यार की लड़ाई। अच्छा मुझे उसमें वो नहीं है नफरत वाली लड़ाई, तो नफरत वाली बहन भाई कैसे करते हैं? अच्छा कौन जल्दी इन दोनों में से रूठ जाता है ऐसा ना सारी जिंदगी से वजूद बनाना, मोमल रूठ जाती है और नाता कौन है? शहजाद नाता। सारी जिंदगी से ऐसा हो रहा है क्या? देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है, क्या मतलब है? अभी भी ये चल रहा है, हाथापाई बहुत करती है हमेशा, मार मार के बात सारी मनवा, क्या है क्या नहीं है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो हम लोग गए हुए थे शूट के लिए, वजूद की शूट के लिए चौकी गए हुए थे, तो वहाँ पे इसने जान आजाद की थी सब, हम लोग घूम रहे होते थे, मैं अदिति या सईद हम लोग कहीं गए हुए होते थे, कहीं किसी मार्केट से कुछ ले लिया, हाँ। भी साथ होती थी, शामिल के साथ होता था, हाँ। तो दूर से मोमल की आवाज आती थी, किधर चले गए, इनका टाइम है, इनका ये है वो है, दरवाजे से हम लोग वापस। इससे मुझे याद आया कि वाजिद ने हमारी मेकअप हेयर स्टाइलिंग की है पूरी फिल्म में, तो उससे मेरा नाम रखते थे शार्क, शार्क आगे जब मैं आती थी तो कहते शार्क, ये शार्क ये भी था, ये था क्या था, हाँ शार्क शार्क आगे। मुझे बड़ा अच्छा निकनेम मिल गया मोमल का, ये किचन बना दी अच्छा, ये शुरू शुरू में ये लोग करते रहे तो मुझे कभी समझ में नहीं आया ना, मैं आ रही हूँ मैं अपना काम में बिजी हूँ, वॉकी टॉकीज एंड ये वो, ये कोड था, ये मुझे 3-4 दिन बाद पता चला, तो फिर मैंने कहा ये किससे बनाए हैं, हाँ। तो उसने कहा ये किसी ने, मैंने पूछवा ली तो किसी तुम ने बोल दिया, कहती होगी फिर टाइम जाया नहीं हो, काम करें exactly. बाजार ना निकल जाए, मजाक मत करो, टाइम ना जाया करो, आई वाज लाइक वेरी यू नो बिकॉज वहाँ पे बिकॉज टर्किश जो आपकी प्रोडक्शन थी वहाँ की महंगा है जाहिर है, हर चीज महंगा तो है बट दे वेरी लाइक प्रोफेशनल एंड पंक्चुअल राइट, अगर वो 8 बजे आ रहे हैं उनकी शिफ्ट खत्म हो रही है 6 बजे दैट मीन्स दे विल लीव, क्या आपका सीन यहाँ का सीन नहीं कि जब सीन खत्म होगा तो पैकअप डायरेक्टर दे विल लीव इन द मिडल ऑफ द सीन, क्योंकि उनको सुबह दोबारा आना है हाँ। तो उनको अपने 6 घंटे की नींद पूरी करनी, उनका कॉल टाइम होता था सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे रेडी होते थे, हमारे वाले उठ रहे थे क्या हुआ अभी आधा घंटा और यार। कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा वो एक वो होता है कि लाइक आप पाकिस्तानी और जब आप कर रहे हो, तो मेरा ये हमेशा होता था कि वी शुड बी ऑन टाइम, अगर इन दोनों में से टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल कोई नहीं है, जो दोनों में से कौन है वो? शहजाद इनका पंक्चुअल नहीं है, देर करवाता है हर चीज में, एक बारी मार्केट जाना था हाँ, सही है हाँ। मुझे कहता है ब्रेकफास्ट पे हम निकलेंगे 1:30 बजे दिखा रहा है 1:30 बजे हाँ। मैं 1:30 बजे तैयार, अब शॉपिंग जाएंगे यू नो हाँ। अब मैं फोन लगाई हूँ उठा नहीं रहा है
मैंने बोला ये लड़का उठा नहीं रहा है, जाके खटखट आई ऐसे ना आग मुचुड़ते मुचुड़ते आता है, शहजाद मार्केट जाना है शाम को जाएंगे, मैंने बोला नहीं तुम अभी जाओ, मैं तैयार होके बैठी हूँ। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हम, आप लोग कहीं नहीं जाएगा, अभी शो खत्म होते ही फौरन टिकटें बुक कराएं और जाइए वजूद पाकिस्तान के सारे सिनेमाघरों में जाके देखिए और एंजॉय करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास बहन भाई की जोड़ी शहजाद शेख मोमल शेख मौजूद है यहाँ अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए लेकर आए वजूद, जो कि सिनेमाघरों में लग चुकी है, और उसकी हीरोइंस हमारे पास दो दो, आज तो मैं बहुत नशे में हूँ क्योंकि आज हमारे पास दो दो हीरोइंस है, सईदा इम्तियाज एंड अदिति। नहीं कैसा लगता है हीरोइंस कहलाना, कैसा लगता है? मेरा तो सपना था, द फर्स्ट टाइम मैं 16 साल की थी जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी, हाँ। एंड सिर्फ उनने कहा था कि हीरोइन को बुलाओ, हाँ। और मैं वहीं पे रोने ये खुशी क्या है। मेरा सपना था कि मुझे कोई हाँ। हीरोइन बुलाए, जब भी कोई बुलाता है ना गूज़बम्स आ जाते हैं। और तुम्हें सही था? तो शुरुआत है सो आई एम लाइक नर्वस, बट दुआ करती हूँ कि फिल्म चले उसके बाद फिर थोड़ा सा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत सही दुआएं होती है, मेहनत तो इतने हमारे लोग करते हैं क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, उसके बावजूद भी सलाम है इन लोगों पे और हम लोगों पे भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सारी जितनी भी प्रमोशन अभी की है उसमें मैंने नेताजी की बहुत हेल्प ली है, इनसे सब कुछ पूछा है और इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था कि ये करना ये नहीं करना ये करना, और इस तरह से इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, बिकॉज ये भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता, कोई बताता नहीं है। एक्चुअली हमें एक दूसरे की हेल्प इसलिए करनी चाहिए, अभी फिल्में शुरू हो रही हैं। याद है आपको मैं मदर्स डे पे आई थी अम्मी के साथ और हमारी बातचीत हुई थी और मैंने इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली थी और फिर मैं फोन भी कर लेती थी कि यार निदा जी फॉरन मुझे ये इस तरह नहीं करना, इस तरह करना, इधर नहीं जाना, इधर कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन। और पता है क्या, जैसे हम एक दूसरे को सपोर्ट करें ऐसे आप लोगों को भी सपोर्ट करें, एक दफा जाके फिल्म जरूर खुद देखें अपनी आंखों से और फिर फैसला करें कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल लाइक इंडिया में तो होता है ना कि लोग बार बार जाते हैं फिल्में देखने। बिल्कुल, और सपोर्ट करने इसी तरह हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री बढ़ेगी। और इसकी मैं तो कह रही हूँ कि वजूद के अलावा तीन और मूवीज लग गई हैं, सात दिन मोहब्बत है, बिल्कुल सजाती है ना बाल नजर आती है, वॉच ऑल फोर ऑफ देम, बिकॉज चारों के जॉनरा इज वेरी डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक ये थ्रिलर लव है, अलग अलग टेस्ट में लग, या एक कॉमेडी है, एक पेट्रियोटिक है, बिल्कुल एक फैमिली एंटरटेनमेंट कुछ शादी टाइप है, शादी टाइप, सो या So all are different, तो चारों देखिए पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करें। तुम लोग बचपन से ही चाहते थे कि तुम लोग फिल्म या लाइमलाइट में आओ, ड्रामों में आओ, बचपन से अब्बा को देखकर चाहते थे तुम लोग? मैं समझता था बहुत बोरिंग, नहीं मैं समझता था बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि जब भी सेट पे जाता था लाहौर एवेन्यू स्टूडियोज तो उधर बस आपको जाके वेट ही करना होता था कि हाँ जी ये शॉट हो गया, अब आइएगा चार पाँच घंटे बाद फिर दूसरा शॉट होगा, क्योंकि लाइट में होना ये वो, क्योंकि फिल्म बड़ा टाइम लगता है लाइट होने, तो वापस जाके हाँ भाई चलो अब खाने में क्या आइए, उसमें कहता यार काम कब होगा भाई, काम दिखाओ काम कब होगा, तो लाइट्स होने में बहुत टाइम लगता था, जाके वेट करा मैंने, यार मैं कभी एक्टर वैक्टर नहीं बनूंगा, नहीं बहुत बोरिंग काम है भाई। तो फिर कैसे सिद्धार्थ फिर कैसे एक्टर की तरफ? बस क्या कॉलेज खत्म, कोई नौकरी नहीं मिली, कॉलेज जिंदगी में कभी भी नहीं कर बस 9 to 5, तभी तो मॉर्निंग शो में आता नहीं बेसिकली सुबह 9 to 11:30 कहानी ये है की सुबह नहीं उठ सकता है कभी। और अगर शहजाद की शूट कोई अर्ली मॉर्निंग हो फिर क्या करेंगे? वो तो फिर काम है, रात भर सोगे नहीं? नहीं नहीं वो तो काम है, वो तो पहले कोशिश करेगा एडी और पटाके कि नहीं नहीं आप बाद में कर लीजिएगा ये कर लीजिएगा। सो ज्यादातर मॉर्निंग शोज जिसको आप डिले नहीं कर सकते हो वो आपकी एटीट्यूड होती है राइट, और उसमें आपके क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, उसमें ब्रांड होता है। अच्छा मोमल, तो सिर्फ उसको ये नहीं कर सकते मोमल, क्या ये बचपन में स्कूल जाने के लिए उठने में भी ऐसे ही तंग करता था, सुबह नहीं जाना दोपहर के स्कूल में दाखिला नहीं उठता था एक्चुअली ये तंग करती स्कूल में मैं करती उल्टा उल्टा था। ये अच्छा बच्चा था पढ़ाई में, और ये कैसी थी पढ़ाई में? मोमल तो सही थी, सही थी, पास हो जाती घर के काम। माम आते थे मोमल को कि जबरदस्ती मार मार के सिखाए? हम आते थे और नाते हैं।
क्यों चिढ़ दी इसको घर के गानों से? क्योंकि पूरा रमजान गुजर गया और कितनी कोनियां मार के कोई पकोड़े शकोड़े नहीं खिलाए अपने भाई को, कोई सैंडविच वैंडविच नहीं खिलाया। एक सेकंड, कभी से पका के कुछ खिलाया है तुम्हें कभी कुछ कि मेरा भाई आया है? चॉकलेट खिलाया और वो लज़ानिया और बेकिंग और वो केक्स और वो सारी चीजें भूल गए तुम जो खा खा के बड़े पेट में उसके बैठते थे? गुजरे भी 5-6 साल हो गए तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए तो शादी से बड़ा टाइम निकाल के आ जाते कि चलो आज मैं अपने भाई को कुछ खिला दूँ, आज ये कर दूँ, आज इफ्तारी खिला दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, लेकिन कोई नहीं, पूरा रमजान तुमने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ फिल्म की प्रमोशन में बिजी रही और ये कहती रही की मैं इधर बिजी हूँ, मैं उधर बिजी हूँ। ये जो सिचुएशन, मैंने नहीं बैठा इसके साथ, तुमने बैठा इसके साथ, ये जो सिचुएशन, मैं बैठ रही आपने मेरे शो पे भी लाइव देखी है या आप और कितनी बार पहले देख चुकी हैं? बहुत पूरी फिल्म के शूटिंग के दौरान बहुत कम नहीं, इतनी ज्यादा 20 दिन तो बैक टू बैक देखी थी, कुछ 15 दिन अंतालिया और वहाँ पर सब कुछ नहीं बताना होता। अच्छा, आप प्रोड्यूसर सब कुछ हमारे बारे में बता देते, हम क्यों नहीं बताए? कभी ऐसे हुआ कभी ऐसे हुआ कि जावेद सामने इनकी लड़ाई सॉल्व कराई होगी क्या यार, हर वक्त लड़ते रहते? जावेद सर तो सिर्फ चुप बैठते हैं। अच्छा, अगर झगड़ा भी हो रहा है ना तो सर उनकी, उन्होंने एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, कुछ नहीं होना, उन्होंने अपनी फिल्म के लिए बचा के रखनी। अम्मी थोड़ा सा वो हो जाती थी कि शूट पे आए नहीं, क्या कर रहे हो तुम लोग, मींस के कुछ बिल्कुल थोड़ा सा लिहाज कर लो ये वो, तो वो भी अपना मैं भी अपना, वो भी उधर चला जाए तो मैं भी उधर चला जाऊं, अम्मी बेचारी इधर से उधर भाग रही, बाबा शूट पे लगे हुए हैं, वी लाइक बट खैर। अच्छा, दोनों में से ज्यादा अच्छा, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा ड्रेस सेंस किसका है? बताती हूँ, शहजाद को मैंने जब भी देखा तो वो अपने पैजामाज में था। मेरे घुस जाती थी हिना के साथ बैठ गई, शामिर के साथ शामिर है जो मतलब एक बार मुझसे मिला था आज तक उसको एक लफ्ज मुंह पे अदिति अदिति अदिति, बच्चे के मुंह पे चढ़ गया अदिति देखे, और वैसे बच्चे से मैं कैसे उससे दूर रहूँ? शामिर और अदिति का हो गया और इब्राहिम और सईदा को, अरे वाह जबरदस्त, बाकी में ये लोग बेबी सिट करते थे जी, यस वाह, और काफी इनके साथ घुल मिल गए तो बच्चे वैसे ही बहुत सईदा। अच्छा, हमारा सवाल रह गया कि ये तैयार रहती थी? She used to, yes. हाँ, तो dress sense इसका मतलब मोमल का ज़्यादा अच्छा, मतलब शहजाद का भी अच्छा, मगर ये sets के ऊपर मतलब she was like always good. मोमल तो is always good because when you're a girl you're always dressed. But शहजाद में मैंने एक चीज देखी है, comparatively to so many people you know that I see, he's very well dressed. हाँ, ये उस किस्म के कपड़े पहनने में भी देखा है, structure. एक जगह में गरीब लड़का भी बना हुआ है, मगर उसे fitting है कपड़े में. Undoubtedly. Are you check और तो कोई बाकी नहीं है ना? एक बाकी है यार, एक बाकी है. अब बेटा लेके दो. मैं तो पहले ही उसे रख चुकी हूँ. कार का पीछे उठता है. अदिति के चेक से हम मिठाइयाँ खाएंगे. अच्छा अच्छा, अदिति तुम अपने सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती हो? एक्सेसरीज पे, कपड़ों पे, किस चीज पे करती हो? मैं कपड़ों पर और मेकअप पर, कपड़ों और मेकअप. मोमल तुम सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पे करती हो? हर चीज पे, ट्रैवलिंग, खाना पीना, एंजॉय करना, चाहती नहीं जाना, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल. और तुम्हारा क्या अदिति? मेरे ज्यादातर पैसे जाते हैं, एक तो शॉपिंग में तो जाते हैं, मैं बुक्स बहुत ज्यादा खरीदती हूँ आज, बुक्स पे सारे पैसे लगाए, टैबलेट के भी जमाने में मैं बुक्स ज्यादा खरीदती हूँ. अम्मी बैठी है पूछ ले, ये देखे मुझे ऐसे लुक दे रहा है. कपड़ों पर शॉपिंग तो करती हूँ,
बट बुक्स बहुत ज्यादा है, जो एक और चीज है, बुक्स और ट्रैवलिंग पे बहुत खर्चा करता है। दो साल तक पहली बार सुना है बुक्स, इसलिए मैं आपके सामने नहीं करती, देखे कभी पढ़ते भी नहीं देखे। और शहजाद किस पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है ना के अलावा? शामिर पे। ओके, तो सबसे ज्यादा पैसा शहजाद का शामिर पर लग जाता है। अभी तो वो स्कूल भी नहीं जाता है, नहीं तो शॉपिंग, बच्चों के बड़े खर्चे होते हैं। निदा जी, आपको शामिल बच्चे में भूल गई, आप भूल गई, भूल गई एक्चुअली, शामिल दिन हो गए। शामिल और इब्राहिम आर ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। अच्छा, मतलब वो इतने खूबसूरत दो बच्चे लगते हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर जीन्स ऑब्वियसली माशाल्लाह, बट जो उनके पेरेंट्स उनको कपड़े पहनाते हैं, एडोरेबल। बिल्कुल, शी डज द शॉपिंग, मोस्टली शी डज द शॉपिंग, ऑल थैंक्स टू मोमल। जितनी तुम्हारी मारपीट जो है वो मोमल से होती होती है ना, से तो नहीं होती ना? No, no, not they have a very no, no. A very sophisticated relationship. Oh. Yeah, like very nicely. अगर कोई गुस्सा करना भी हो या कोई बात करनी होगी, शहजाद यू डिड नॉट लिसन टू मी, ओके है ना, आई एम सॉरी। मैं कहती हूँ ये शहजाद को क्या हो गया है, लाइक लिटरली मेरे से हिना इज अ लॉयर ना, हिना इज अ लॉयर, तो वो पर वो सो क्लियर नहीं है, उसको भी खुद तमीज से रहना पड़ता है। ओ यस ऑफ कोर्स, बट नो शहजाद इज आल्सो दैट सॉर्ट। हां, शहजाद एंड हिना की पर्सनालिटीज मिलती जुलती भी है, काम एंड यू नो वेरी क्वाइट, नॉट हाइपर। तुम्हारे साथ आई एम हाइपर, तो मेरे साथ तुम्हारा मियां भी ऐसे करते हैं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, वो भी हाई पर नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, वो इग्नोर मोड पे रखता है, वो इग्नोर मोड पे चला जाता है। हाँ, साइलेंट। He is also very sophisticated. हाँ, तो शुरू शुरू में तो मैंने बताया था तुमने ये चीज क्यों नहीं की, मैं तुम्हें बताता था। मैं बताया था तुम क्यों नहीं आए मेरे पास, तुम लेके जाना था, मैं ये करना था, मार कर ड्राइव कर जाना था, लेट हो गया मेरे को। एग्जैक्टली, काम देखने में भी ऐसे लगता है। तो ये सही जोड़ी है ना, क्या है ना, एक बैलेंस हो जाता है। अच्छा सईदा और तुम अदिति, तुम दोनों से सवाल है कि दोनों में से थोड़ा सा कंजूस कौन है, तुम लोगों को क्या लगता है? दोनों प्रोड्यूसर हैं तो कंजूस है दोनों? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत मजा आ रहा है। इसे तो मैंने ट्रीट शीट ली हुई है। हाँ, लेकिन सईदा का पता नहीं, लेकिन अब मूवी लग गई, ये हमारी बात कर रहे हैं। सवाल है सवाल, तो मुझे हमेशा मुझे ना शहजाद धमकी दी जाती है मजाक में ऑब्वियसली। हाँ, मैंने कुछ अगर उस पर मतलब उसकी टांग खींच दिया कुछ, बेटा तुम्हारे तुम्हें ऑलिव ऑयल में खाना चाहिए होता है ना, तुम्हें डाइट का खाना चाहिए होता है, देखो तो तेल दाल डाल के खाना दूंगा तुमको। हाँ, बट नहीं, दोनों बहुत दिलदार है। कबीर, I think we've shot in the most grand way in Turkey and in Karachi, because I've not been in Karachi. That is because of Baba. हम लोग Turkey में थे और Momal आई and the room was so lavish. Yeah. कमरे में आकर Momal बकायदा पूछ रही है, सईदा सब ठीक है? Yeah. You know, I mean, वो एक तरीके से सबके लिए वेकेशन था। बिल्कुल। मतलब किसी को, मतलब सबको इतनी छूट दी हुई थी कि काम करते ही करते थे। मैंने पहला ऐसा एक प्रोडक्शन में मतलब काम कर रही हूं, तो मैंने पहले वाली की थी। और मैंने ऐसी प्रोडक्शन पहली बार देखी है कि Momal के साथ उसके बच्चा था, सिद्धार्थ के साथ उसका बच्चा, और दानिश जो हीरो है उसके साथ उसका बच्चा थी। दानिश वेकेशन, वाकई वेकेशन थी। वाकई ये वेकेशन आपके लिए भी हो सकती है अगर आप ये फिल्म देखने जाएंगे, क्योंकि आपको जो ब्यूटी नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ हमारी हीरोइंस, हीरो, हमारे डायरेक्टर, सीनरी, तो ये सब देखकर आप फ्रेश हो जाएंगे। अच्छा, आप सोचना ये नेक्स्ट बात सोचना ये है, ये सोचते हैं फिल्म तो अच्छी बना दी, पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, ग्रैंड सारी प्रोडक्शन भी हो गई, पैसा कितना कमाएगी फिल्म, पैसा कितना कमाएगी? ये तो सब आपके ऊपर है। चलें गैस करते हैं, गैस करते हैं, चलें। और ये गैस करने के लिए हमने ना एक एक्टिविटी प्लान की है। होगा ये कि हमारी तीनों खूबसूरत हसीन लड़कियां यहाँ खड़ी होंगी, जिसमें से एक प्रोड्यूसर है और दो हीरोइंस हैं, वो तीनों यहाँ खड़ी होंगी, और शहजाद ने जो है ना वो कैच करना है, वो जो एक बड़ा जबरदस्त सा हमने, क्या है ये चीज को क्या कहेंगे, कि पता नहीं क्या चीज बनाई है, मुझे इसका नाम नहीं पता। ये बास्केट है लेकिन बड़ी कढ़ाइयों के साथ और ये गोटे के साथ। अब होगा ये कि हम शहजाद की आंखों पे पट्टी बांध देंगे। हाँ, ठीक है। ओ, और शहजाद की आंखों पे पट्टी होगी। That was the twist. हाँ, शहजाद की आंखों पे पट्टी होगी और शहजाद ने ये इसको पकड़ना है, और लड़कियों ने, तीनों लड़कियों ने इसमें बॉल्स डालनी है, और शहजाद ने पता नहीं ऐसे ऐसे कैच करना उसको जहां भी ऐसे लग रहा है कि बॉल, क्योंकि पैसे ऐसे ही आता है फिल्म में, हमें कुछ नहीं पता होता, कितना भी पैसे लगा दो। हां, दैट्स एक्चुअली गुड।
हाँ एकदम से पैसा ज्यादा ऊपर हो जाता है फिर थोड़ा नीचे होता है फिर दोबारा ऊपर आ जाते तो फिल्म की भी बिल्कुल इसी तरह की चीज होती है. अब शहजाद ने जो ये पकड़ के ब्लाइंड फोल्ड करके बस इधर उधर करना है और लड़कियों तुम लोगों ने इसमें जितने करोड़ डाल सको एक करोड़ की एक बॉल है भाई किसी लंबे आदमी को भेजो ये तो बहुत लंबा लड़का है ये ओके यार चीटिंग कर ले चीटिंग नहीं करना अच्छा नजर ही दिया फिल्म के बिजनेस में चीटिंग हो ही नहीं सकती सारी चीज क्लियर होती है. एक मिनट कहाँ जा रहे हो भाई ये पकड़ लो और पीछे आओ पकड़ो और पीछे आओ हाँ पकड़ लिया ठीक है और मैं इधर जा रही हूँ क्योंकि मेरे मुंह पे भी बॉल नहीं लगनी चाहिए रोज का शो करना तो मेरे पास छुट्टी भी नहीं होती. हाँ कम ऑन शहजाद ओके जी रेडी गेट सेट करोड़ स्टार्ट नाउ. एक करोड़ तो आ गया एक करोड़ आ गया मोमल दूर हो दो करोड़ दोनों करोड़ मोमल ने भेजा तीन चार तीन तीन करोड़ आ गए चार और ये पांच छह मोमल दूर हो पांच ओए होए सात करोड़ हो गए आठ करोड़ ओए होए ओए होए नौ दस ग्यारह पांच छह भाई करोड़ निकाल रहे वो कह रहे मैं पकड़ सकता हूँ आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और इंशाल्लाह इससे भी डबल इंशाल्लाह इससे भी डबल ट्रिपल ट्रिपल करेगी आप लोगों की फिल्म. हम सब की दिली दुआ है और हमेशा हम आपकी फैमिली के साथ रहे क्योंकि जावेद साहब ने एक वो कहते हैं ना कि पूरा एक हिस्सा है वो फिल्म इंडस्ट्री का और कोई पाकिस्तानी फिल्म उनके बगैर अधूरी है. यानी कि उनकी फिल्म तो आई रही है साथ तो दूसरी फिल्म है उसमें भी वो खुद है ना. एग्जैक्टली तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और सबकी दुआएं होनी चाहिए मेरे साथ कि वजूद बहुत अच्छा बिजनेस करेगी इंशाल्लाह. गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं मोमल शेख और शहजाद शेख और अदिति और सईदा इम्तियाज. वजूद की एक कहते ना एक हिस्सा हमारे पास है क्योंकि वजूद का जो मेन हिस्सा है जावेद शेख साहब भी है. ओके इतने सारे गेस्ट माशाल्लाह से हमें इतने सारे गेस्ट और इतने सारे सेलिब्रिटीज हमें देखने को मिलेंगे फिल्म में. जब फिल्म के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है कोई ना कोई कहानी कोई कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया तो इस फिल्म के साथ क्या क्या कहानियां अटैच हुई छोटी मोटी मजेदार कोई चीज कोई ऐसी जाहिर है तुम लोग सब साथ थे. जी जी काफी काफी चीजें हुई हमें. एक तो जब हम लोग टर्की में थे तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था. अच्छा. तो शुरू में हमें समझ नहीं आता था कि किस तरह से हम हैंडल करें किस तरह से कुछ कर ले उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं है उतनी इंग्लिश अच्छी नहीं होती. तो उसका एक छोटा सा फनी इंसिडेंट है पता नहीं कुछ हुआ कुछ समझ में नहीं आया तो हम समझे कि कोई फड्डा हो रहा है ये हो रहा है वो आ रहा है तो वो यू नो लाइक गैदर हो जाते तो पता चला वो कुछ और ही बात हो रही थी. अच्छा. तो हम लोग पहले 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 समझे कि कुछ पैनिक हो गया था. रिमेंबर वी पैनिक्ड हमने कहा ये क्या हो गया शूट के वक्त एंड सब टर्किश क्रू बैठे हुए सब टर्किश क्रू उनकी बात करने का तरीका लाउड है. यस बात करने का तरीका उनका बहुत लाउड है तो हमें लगा कि झगड़ा हो रहा हम सब खड़े हो गए क्या हो गया ये क्या हो गया. जब पता चला तो कुछ था ही नहीं वो लोग ऐसी बात बातें ऐसी बातें ऐसे हो रही. एक और इंस्टेंस था रेजी में बहुत ठंड होती है शाम को एंड शेख साहब इज वेरी पर्टिकुलर विद व्हाट ही वांट्स इन द सीन. एग्जैक्टली. उनको एक मैजिक लाइट चाहिए थी जो सिर्फ आधे घंटे के लिए दिन में मिलती है. अच्छा. शाम को
उनको एक शॉट चाहिए था कि मैं गाउन पहन के पूल से बाहर निकल रही हूँ. तो गए पूल के पास और ठंड, शाम के कुछ 6:30 बज रहे हैं. अब पानी को हाथ लगा, शेख साहब मुझे देख रहे तुम कर लोगी? तो सबने शेख साहब को मॉनिटर की तरफ लिया कि शेख साहब ये तो नहीं कर पाएगी, लड़की ठिठुर जाएगी ठंड में. सब बात कर रहे उधर से ढुबक करके आवाज आती है और मैं बाहर निकली. सर टेक टेक वो पानी इतना कुछ 5 डिग्री टेम्परेचर था आराम से 4 to 5 डिग्री. दानिश भी ये कह रहा था कि ये नहीं कर पाएगी और ये तो और ये दादी है जामले में. हाँ एंड 1 घंटे में पानी में थी फॉर दो शॉट्स. उसके बाद बहन नजला खांसी जुकाम क्या क्या हुआ आपको? नजला कुछ नहीं, जाके मैं सोना में लेट गई. हमारा आधे घंटे में हो गया था, आधे घंटे हमने तो सजा दी. हाँ वो फोन कर दिया था इसे आधे घंटे में मत निकालूंगा. अच्छा सही, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ? सही रहा, इतनी शरारतें करती थी हमारे साथ. क्या ये कीड़े ला देती थी? रबर वाले कीड़े नहीं होते. हाँ कोई भी, और इतनी खामोशी थी ना, ये क्रॉल करती हुई आपके पीछे से भी कोई आ जाएगा ना एक्चुअली. और सापे लाई, और सईदा बोली मैं मार्केट गई थी क्या लाई, ये सापे लेके आई है और प्लास्टिक की कॉकरोच लेके आई है. जावेद सर के साथ किया था, ऑलमोस्ट सबके साथ किया था, किसी को छोड़ा नहीं था सर, किसी को सबके साथ मस्ती. दानिश के साथ किया था, उसने माइंड तो नहीं किया. नहीं दानिश तो उसके अलावा उसके साथ करना शुरू हो गया. उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, शरारतों में तुम मेरे साथ शरारत करते हो. वो एक्चुअली स्टार्टिंग में एकदम सोफिस्टिकेटेड था, जब उसने देखा कि ये दोनों लड़कियां मतलब कर रही हैं, तो बोला लेवल अप, गेम टाइम. तो फिर इसके बाद वो भी बिल्कुल शुरू हो गया मस्तियां करना. अच्छा मोमल तुम्हारे लिए सबसे टफ डे, क्योंकि तुम शूटिंग में साथ साथ रही हो, बिल्कुल शहजाद आते जाते रहे है ना, तो तुम्हारे लिए शूटिंग का सबसे टफेस्ट डे जो है वो कौन सा था? टफेस्ट डे अच्छा शुरू में मैं बहुत था, जब मैंने काम करना शुरू किया बाबा के साथ तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी कि घर में ही एक आपका एक स्कूल है जो जिसके साथ आप काम करने को आपको मौका मिला. सो आई एम नॉट गोना लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो. अपना काम मैंने छोड़ दिए, ड्रामे छोड़ दिए कि ये कर लूँ. उसमें ये हुआ कि शुरू शुरू में मैं बहुत पैनिक करती थी. हर छोटी छोटी बात तो नहीं होती थी, हमारे लिए तो बड़ी बात होती थी. जाहिर सी बात है एक शिफ्ट लगी हुई है, आई एम श्योर आप तो समझती हैं इस बात को. तो मैं पैनिक कर जाती थी कि अब क्या होगा, जैसे वेदर चेक के बावजूद आपको वो ठीक एक्यूरेट नहीं बताता था, तो बारिश हो जाती थी. उसका था थोड़ा सा. सो यही हुआ हमारे साथ, 3 दिन हमारे जाया हो गए हमारे गाने के. मैंने कहा मैं तो बहुत पैनिक इन चीजें ये वो, अब हम कुछ सोच रहे हैं बाबा काम डाउन यू नो लाइक काम वो है काम पर्सन. तो उन्होंने कहा डो मरी हो जाएगा. तो अपनी प्लानिंग करते थे, कोई दूसरी शूट शुरू कर देते इंडोर की एंड ऑल ऑफ दैट. फिर बाबा ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि अगर पैनिक करोगे तो बाकी की चीज भी नहीं हो पाएगी जो करना चाह सकेंगे हम. सो फिर मैं काम डाउन हो गई. अच्छा कि अच्छा यार ओके ही इज राइट, मेक सेंस कि हाँ अगर पैनिक ही करते रहोगे तो हल नहीं निकाल पाओगे. तो मेरे ख्याल से वो टफेस्ट था, वही दिन मेरे लिए टफेस्ट था. और उसी दिन से बाबा की मैंने इस बात से सीखा, बांध ली तुमने बांध ली कि इट्स ओके, आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा पैनिक कर जाओ. इट्स ओके, चीजें निकाल जाती हैं, चीजें निकल बन गई, रिलीज भी हो रही है माशाल्लाह से. बिल्कुल रिलीज भी हो गई है. और बहुत सारे लोग फिल्में बनाते हैं लेकिन वो पर्दे तक नहीं पहुंच पाती, ये हम सब भी जानते हैं. बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं लेकिन फिल्म बनाने के सिर्फ पैसा नहीं, दिमाग की भी जरूरत होती है. और बहुत बड़ी बात होती है जो सिनेमाज में फिल्में लग जाती हैं. सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा को, उसकी वजह ये कि आप भी खड़ा कर सकते हैं. अच्छा क्या मोमल शुरू से पैनिक, जब छोटी थी तब भी पैनिक कर जाती थी, हाय सर पे एग्जाम्स आ गए हैं, हाय क्या शादी होने वाली है? अभी तक पैनिक होती है, क्या सोचेगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा. शादी जब होने वाली तो कितनी पैनिक थी. इट्स नॉट, जब से वजूद शुरू हुई तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स में मेरा नाम और मोमल का नाम दोनों का है. मैं क्योंकि अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था, ड्रामास एंड एवरीथिंग एल्स, तो मोमल हैज, अगर क्रेडिट दूं ना तो मोमल को 90% में क्रेडिट देता हूं कि मोमल ने 90% काम किया. शी हैज बीन इन्वॉल्वड इन द फिल्म सिंस डे वन. मैं तो बस आ गया, हाँ भाई आज क्या हो रहा है, ऐसा ही वाला सीन है. तो ये शहजाद का जो 10% काम था मोमल, वो क्या था 10% काम इसकी? शहजाद की और बाबा की बस जो मीटिंग्स होती थी ना, बस
वो वहीं पे फैसले होते थे, वहीं पे वो डिस्कशंस होती थी. वो कभी कभार मुझे भी नहीं पता चलती थी. अच्छा, वो बुक एंड पर्सन, वो थी चीज जो आपस में डिस्कशन, उनको एक सेकंड ओपिनियन और मशवरे एक दूसरे, मैन टू मैन. वो तो कर ले रहा बाबा का अपनी एक जगह था, लेकिन मोमल आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड अप्रिशिएट यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर द मूवी. बहुत टाइम निकाल के तुमने मूवी को टाइम दिया एंड यू टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. मोमल ने प्रोडक्शन संभालने के लिए कोई पैसे वैसे दिए इन लोगों ने कि नहीं? बिल्कुल दिए, मैंने खुद भी लगाए, इनके भी लिए, सब लगा दिया है. मैं मैं कह रही हूँ कि आज सूरज कहाँ से निकला, इतनी तारीफें हो रही है ना आज कहाँ. अभी आप कुछ देर पहले देख रहे थे बंदरों की तरह लड़ाई हो रही है. मैंने ईद का दिन है तो जरा लड़ाई झगड़ा जरा साफ किया जी. बिल्कुल एकदम याद आ गया ना शहजाद को भी, हर बहन भाई में इसी तरह की लड़ाइयाँ होती है और यही है मोहब्बत और प्यार खानदानों में जो चला आ रहा है. लड़ने मरने और रहते भी नहीं एक दूसरे के बगैर. हाँ ना यार, एक तो सारी बड़ी से बड़ी सीक्रेट पता होती है हमें. हाँ, एक दूसरे की. हाँ, कोई मुश्किल हो सबसे पहले एक दूसरे को पता होती है. कोई खुशी हो एक दूसरे सबसे पहले फर्स्ट फोन कॉल मीन्स की पता है कि उसने मुझे करना है और मैंने उससे करना है. अच्छा थोड़ा ज्यादा शहजाद की कमजोरी क्या है? शहजाद की कमजोरी है अम्मी. अम्मी और मोमल की कमजोरी क्या है? अम्मी. अम्मी. अम्मी, वाओ क्या बात है. अच्छा अम्मी किसकी साइड लेती है जब दोनों में कभी फड्डा हो जाता है तो अम्मी किसकी साइड लेती है? अच्छा वो अम्मी 50-50 है, बैलेंस आउट करती रहती है. अम्मी करती कभी देखती है कि अच्छा मोमल ने ये कर दिया तो बोलती है शहजाद क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, छोटी बहन है ये वो. हाँ. तो वो कभी वो बदतमीजी करती है, बड़े भाई के साथ ऐसा नहीं बोलते, सॉरी बोलो, ये करो. तभी 50-50 करती है. अम्मी को हम कभी कभार करते भी हैं तो शहजाद मुझे आंख मारता है, मुझे कहता है और वो ऐसे करके यूं करके ना आराम से यूं करता है तो मैं कहती हूँ ये. अच्छा बिकॉज हम ड्रामा करते हैं तो आंसू लाना, हर ड्रामे में रोना होता है आप देखते हैं ना, तो हमें आंसू जल्दी आ जाते हैं, मुझे तो आ ही जाते हैं. तो वो ना मैं आंसू के साथ रो लेती हूँ तो अम्मी कहती है हाय अल्लाह मेरी बेटी को रोला दिया. और मैं अम्मी की जब अभी पलटती है शहजाद की तरफ तो मैं कहती ये जब मेरी तरफ पलटती मैं कहती हूँ खैर मुझे डांट तो पिट जाती है अम्मी से, लेकिन फिर मैं उसको उतनी जोर से पकड़ता हूँ जितनी जोर की एक्टिंग करती है. अच्छा तुम दोनों में से खाने पीने का शौकीन कौन है? सैदा. डाइटिंग पे लगी रहती है, डाइटिंग ऑलिव ऑयल में खाना पकेगा, ऑलिव ऑयल में नमक. क्या डाइट करती हो? मेरा मोस्टली लो कार्ब डाइट रहता है. हाँ. तो मैं एकदम तेल कम लेती हूँ और नमक. तो तुम्हें जल्दी हवा भी लग जाती है, वो होता है ना कि किसी को हवा भी लग जाती है. बिल्कुल. ये दैट इज न्यूज. व्हाट अदिति डू यू रिमेम्बर कि हम तुम्हारे गाने की शूट कर रहे थे जी. तो मैं लाइक इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी. हाँ. और मैंने अदिति को बोला था तुम खाना नहीं खाओ. पानी पे रहोगी, पानी पे रहोगी तुम, तुम्हारी शूट है, तुमने ड्रेस पहनना है या तुमने अगर खबरदार खाना खाया. और मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इनको खाना नहीं दीजिए. लाइक लिटरली वी हैव टू सैक्रिफाइस. और जब मैं गई थी इंडिया मैंने भी इस तरह किया था, मुझे भी खाना नहीं मिलता था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अगर साइंटिफिकली देखें तो आप खाना नहीं खाएंगे तो आप ज्यादा ब्लोट होंगे. जब वो डाव किया कौन सा था कमर शीला की जवानी, तो उसने बताया था मुझे पानी भी नहीं दिया था पीने को जी. पानी के बगैर रखा था क्योंकि पेट फूल जाता है तो वो हाँ ब्लोटिंग होती है, तो वो इसलिए तुमने खाना छोड़ दिया था जी. वो टाइम पर वो होता ही है. वो इवन एनर्जी किससे आती है भाई? एनर्जी आप ब्लैक कॉफी पीते हैं बिकॉज वो और पानी निकालता है. हाँ. वो आपको और चिजल करता है. हाँ, पतले दिखने के लिए. बड़ी स्क्रीन पे बड़ी स्क्रीन पे बहुत पतला दिखना है. बहुत बेहतर. आप नमक खाना छोड़ देते हैं 3 दिन पहले. आप पानी का इंटेक कम कर देते हैं, आप कार्ब्स बंद कर देते हैं, आप सिर्फ सैलड्स पे रहते हैं. लेकिन सही था, आप बताएं मैंने आपको कभी देखा नहीं वैसे खाना खाते जितना टाइम में टर्की में था. ये आप ये चुप चुप के खाती है क्योंकि हम ब्रेकफास्ट के साथ मिलते थे सवाए सईदा के. सईदा नहीं होती है. नहीं सईदा नहीं होती. सईदा तो ब्रेकफास्ट नहीं. हाँ सईदा ब्रेकफास्ट पे कम होती थी बट क्योंकि मैं इब्राहिम के साथ होती थी. हाँ एक्चुअली क्योंकि इब्राहिम मेरे साथ थ्रू आउट गया था. शहजाद लोग और अम्मी लोग तो बहुत कम दिन के लिए आए थे. कम दिन के लिए 10 दिन के लिए आए थे.
But the entire shoot was for 25 Yeah, we were in the spell of Antalya. कोई था ब्राइन को संभालने के लिए कि तुम ब्राइन को भी संभाल रहे थे। I had Nusrat with me. हाँ, ये थी अच्छी ना। Nusrat भी थी और फिर हमें पास बहुत सारे लोग थे जो संभालते थे। बल्कि मैं कभी-कभी सैदा की शिफ्ट, कभी सैदा की शिफ्ट होती थी कभी हाँ। जिस दिन मैं ये शूटिंग उस दिन सैदा की शिफ्ट लग जाती थी। And there is true because you know हेल्प के साथ of course I had कि ऊपर कोई बैठा हुआ हो कोई देख रहा हो। अच्छा कपड़े बड़े अच्छे मुझे लगे फिल्म में। तो मोमल कहाँ से तुमने बनवा And yes, and we were because Baba is very particular कि मेरी heroines के dresses, उनकी nails, उनकी जूती शुरू से ही आप सोचे कि मैं गई हूँ तो मैंने कहा बाबा ये मेरा काम है मैं कर लूँगी no he used to be on WhatsApp मेरे से WhatsApp पे कहते थे मुझे picture भेजो बिल्कुल तो जूती की भी picture भेजो ये beige color नहीं मुझे ये वाला beige color चाहिए ये white color नहीं मुझे because colors में भी वो होते हैं he's very particular तो जूती भी नजर आई है फिल्म में हाँ हाँ अच्छा वो होता है ना गाड़ी से निकलते तो सबसे पहले जूती आती है आपके गाने वालों को हील चाहिए और कैसे हील ऐसी वाली नहीं पेंसिल वाली हील उन्हें ये नहीं चाहिए हीरोज़ को मुझे उनको शुरू से वो याद आती है पेंसिल हील वाली जी जी हमेशा हर इंटरव्यू में बताते हैं पेंसिल हील और मुझे मतलब उनको फैशन का बहुत सेंस है और सैदा को तो तुमने भी पूरे पूरे गानों में मैंने हील्स पहनी है हील्स पहन के डांस किया और ठंड इतनी थी कि मेरे पैर सूज गए थे तो पैर सूजे हुए निगाह जी वो डांस करते निगाह जी बड़ा उन्होंने इन पे मेहनत किए दोनों को निगाह जी ने बहुत मेहनत की होए 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 अब जी तुम्हारा कोई इसका कोई गाना रिलीज हुआ है डांस का अभी तक नहीं हुआ एक्शन रीप्ले अच्छा क्योंकि मैंने अभी फिल्म देखी नहीं मैं देखने जाऊंगी आज इंशाल्लाह तो तुम्हारे तुम्हारे कितने डांसेस हैं फिल्म में कितने मेरा एक सॉलिड गाना है जिसमें बहुत डांसिंग है अच्छा प्यार दे जो गाना है दानिश के साथ है तो उसमें कपड़े मोमल ने थोड़े लाए थे एंड आई हैव दिस वेरी गुड फ्रेंड डिजाइनर प्रियंका शर्मा अच्छा बॉम्बे में कपड़े बनाती है शी गेव मी लॉट ऑफ गुड गाउन्स एंड ऑल दैट फॉर द फिल्म एंड तो उस गाने में सर को ऐसे कपड़े चाहिए थे कि जो मूवमेंट्स हाईलाइट करें अच्छा तो सर से वो उस वक्त भी व्हेन आई वाज इन बॉम्बे सर व्हाट्सएप पे रहते थे कि तुम दिखाओ तो मैंने उनको एक पिक्चर भेजी नहीं नहीं ऐसे पिक्चर में तुम पहन के दिखाओ मुझे हाथ पे कैसा लगता है हाँ। तो सर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट उनकी हीरोइन के कपड़े बाल शूज मेकअप ओके सुनो तो वाजिद जो है वो रहता था साथ वाजिद 24/7 अच्छा उसके अलावा सानिया मस्कतिया ने सारा शाकरा ने टीना दुरानी ने हुमायूं आलमगीर ने आमिर अदनान ने कॉटन एंड कॉटन मोना इमरान शीबा कपाडिया सब डिजाइनर्स ने हमारी फिल्म में तुम सारे कपड़े उठा के टर्की लेके गई थी यस सानिया मस्कतिया ने वजूद के गाने किए हैं सानिया मस्कतिया एंड हुमायूं आलमगीर दानिश के हुमायूं आलमगीर ने सैदा के सानिया मस्कतिया ने और हमारा मुझे से गाने में वो पहने हुए हैं पूरा जंपसूट सॉर्ट ऑफ है वो और दुपट्टे हैं उसके साथ लंबे लंबे वो सारे सानिया मस्कतिया वो बनाए कस्टम मेड बनाए वो भी बाबा का बाबा के ही अपने आइडियाज थे कि एक जंपसूट होगा तो एक लहरा एंड मैं और उमेर हम लोग बैठ के वी वर डिसाइडिंग कि यार ये क्या है ये वो भी कह रहा है मैं भी कह रही तो मैंने कहा नहीं शायद बाबा ने गलत बोला मैं आई कम बैक टू यू नो लाइक एंड द बेस्ट पार्ट वाज वो जो दानिश थे वो जो स्कार्फ पहना हुआ है गले में वो कहां से आया था अरे कोई तुम्हारा कोट भी मुझे याद है वो जो मरून रेडिश था कोई कोट है थोड़ा सा बहुत कोई रेड रेड से तुम्हारी कोई दानिश का कोट नहीं इसका लंदन वो मैंने कहा यार ये क्या मतलब एक एक खाली मैंने भी प्रोमो देखा है उसमें मैंने कहा वाओ एग्जैक्टली एंड शेख साहब इज सो गुड एक सीन था जब मैंने एक शर्ट पहनी थी तो वो सीन एक दिन पहले नहीं हो पाया ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेजे रेन तो मुझे गाड़ी में दानिश के साथ बैठ के जाना था तो सर एक दिन पहले कह रहे थे खाली खाली लग रहा है अगले दिन मैं आई तो मैं वही सेम कपड़े पहन के आ गई तो सर ने लाके मेरे हाथ में एक पैकेट दिया तो मैंने देखा तो सर खुद जाके मार्केट से रेजे के मार्केट से एक मैचिंग स्कार्फ लेके आए थे बिकॉज ही फाउंड दैट एम्प्टी एग्जैक्टली ही सो पर्टिकुलर इसका गाने का एक रेड ड्रेस जिसमें वो बता रही है उसके आप सोचें चार डिफरेंट स्टाइल आए हैं रिजेक्ट रिजेक्ट फिर हम भाग रहे हैं फिर हम जा रहे हैं चार डिफरेंट स्टाइल के रेड के कट डिफरेंट थे
और फिर वो पहनाए गए फिर वो फिर उसमें से चूज हुआ बाबा इट्स सो पर्टिकुलर वो स्कार्फ वाली बात रहेगी दानिश की दानिश का स्कार्फ की क्या कहानी थी मोल बताओ सईदा ने कपड़े पहने हुए थे व्हाइट राइट तो वो उसकी लहराती हुई वो जो नहीं होती है वो सारे थे विंड ब्लोइंग व्हाइट व्हाइट येलो था नो नो व्हाइट वजूद का जो पहला शॉट है व्हाइट पे ओके उसने पहना हुआ ना उससे व्हाइट पे दैट्स व्हाट यू टॉक अबाउट तो बाबा ने कहा कुछ एम्प्टी लग रहा है कुछ है अब हम लोग पहाड़ियों पे ऊपर मैंने कहा अब यार बाबा कहाँ से लाए यार अभी कौन सी दुकान में अभी नीचे जाएंगे तीन घंटे लग जाएंगे फिर ऊपर आते हुए तीन घंटे लग जाएंगे सो व्हाट डू यू वांट फिर खुद ही सोचते रहे खुद ही दानिश ने भी कहा सर इट्स ओके शेख साहब आप से एवरीथिंग इज फाइन हमने भी सब ने बोला वाजिद से बहुत डिस्कशन करते हैं तो उन्होंने और वाजिद ने कुछ डिसाइड किया कुछ निकाला सईदा के पास आए जो उसके वो लहराते हुए वो ना चीजें जो निकल रही थी बाजू से और समथिंग लाइक उसने वाजिद आया उसने काटा उसने उसका स्कार्फ बनाया और यहाँ लगा दिया है ये हुई ना बात ये शॉट अब लगाओ उसके दाने बेचारे वो कह रहा था यार ये क्या है क्या लगा दिया ये क्या लगा दिया लेकिन जब उन सूट पे एक्चुअली दिखाया तो दानिश ने कहा कि वाओ मींस के अब हम मुझे समझ में आया है कि वो अच्छे कोऑर्डिनेटेड भी लगे ना फिर कपड़े सारे दानिश के भी कपड़े कोऑर्डिनेटेड थे अब आप देखिएगा दोनों एक दोनों गानों के जो दानिश ने पहना है जो इसने पहना ये चीज अच्छी लगता है कि आपने प्लान करके चीज की भी है और इनके गाने में भी इनके और दानिश के गाने में भी चीजें इसी तरह प्लान की तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को इंतजार होगा टिकट बुक कराने का और जाने का तो बिल्कुल देर ना कीजिए बल्कि फोन करके भी आप बुकिंग करा सकते हैं वेबसाइट के थ्रू भी बुकिंग करा सकते हैं जल्दी से आप बुकिंग कराएं मैं ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ जाइए देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ वजूद वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप सब लोग जाके देखिए हमने ये क्या बनाया हुआ है हम आपको एक दफा फिर बता देंगे वजूद है जो सिनेमा घरों में लग चुकी है ओवरऑल पाकिस्तान जाइए अपनी फैमिली के साथ ईदी जो भी जमा की हुई है उसका मजा दुबाला करें क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनके पास ईदी जमा हुई हुई है बिल्कुल एंटरटेन हो जाके और देखिए वजूद इतनी प्यारी प्यारी हीरोइनें हैं अभी तो ये चुपचाप ऐसे बैठी हैं फिल्म में तो ये जावेद साहब ने इनको बैटरी दिया नहीं होगा बिल्कुल नहीं अच्छा सुनो किसको देख के प्यार आएगा किसको देख के गुस्सा आएगा ये कैसे जाने ये आप फिल्म देख के जाके पता कर सकते हैं वाकई अभी कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते ऐसा है कि दोनों पे प्यार आएगा है प्यारी शक्लें माशाल्लाह आपको हम पे प्यार आ रहा है ना प्यार आपको हम पे पर ये कभी नहीं अभी निकलता मेरी इनसे इनसे वो डायलॉग्स बुलवा ले आप इनके जो प्रोमो में लगे हुए चलो भाई चलो आज आदिति आदिति वो तुम्हारा कैमरा वो जो वो दानिश तैमूर खड़ा है तुम्हारे वजूद को पाने की तिश्नगी ने मेरी रूह को इतना मजबूत कर दिया कि मैंने मिट्टी में भी हाथ डाला वो सोना बन गई अब सईदा रू के बगैर वजूद कहीं नहीं जा सकता फैजान बस ये था अच्छा तुम्हारे डायलॉग्स बोलने के स्टाइल से मुझे लग रहा है तुम एक वो दब्बू सी लड़की हो जो नीचे शादी होके आती हो सास जो कहती है वही करती रहती है लड़की वो फिल्म में तुम्हारा कैरेक्टर दब्बू दब्बू सा है सीधी शादी सब थी और ये है जालिम बहू जालिम बहू जो सास को कहती है जो सास को कहती है कि मैं आपके बेटे को अलग लेके शिफ्ट हो रही हूँ बेटे से तो लेना देना अभी वैसे तो होता ही है अभी बट वो एक्सीडेंट किसका हुआ एक्सीडेंट खून किसने किया वो खून किसने किया ओह माय गॉड तुमने किया मर्डर क्या शहजाद खून करके भाग गया पाकिस्तान अरे आप उनके नाम क्यों लेना था ओहो रिवील नहीं करना रिवील नहीं करना था करना था क्या चुपके जैसे सईदा चुपके से पीछे से आती थी मोमल आई और वो कारनामा दिखा के चली गई ये जानने के लिए ये मर्डर मिस्ट्री रोमांटिक कॉमेडी भी है ट्रेलर जी हां कॉमेडी ट्रेलर 12 मसाले की चाट देखने के लिए जाइए अब ऐसे प्रमोट करेंगे 12 मसाले की चाट बिल्कुल जी फिल्में ऐसी होनी चाहिए हमें देखनी है आर्ट मूवी हमें देखनी है ये लटके ये झटके ये मस्तियाँ क्योंकि एंटरटेनमेंट इसी को कहते हैं और हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 चाहिए अच्छा शेख साहब
क्या गेस्ट अपीयरेंस है या उनका वाकई कोई एक इम्पोर्टेंट रोल है? प्रॉपर रोल है, प्रॉपर रोल है, रोल है और बहुत पिविटल रोल है उनका। ओह डिटेक्ट, वो मार रही है उसको, क्यों बता? क्यों बता? प्लीज नहीं अभी तो जो बात सुनो अदिति, तुम उन लोगों के मुंह रोकोगे जो फिल्म देख कर आए हुए। अब तो लग चुकी है फिल्म, लग चुकी है अब तो। मुंबई वाली गलती मुझसे हो गई है। बस आप लोगों को ये कि एंड ना बताइए अपने खानदान वालों को, कहीं जाके मैं चाह रही कि सब जाएं और सब खुद देखें और जानें, क्योंकि एवरीवन शुड वॉच वजूद, क्योंकि उनको खुद वो मजा आएगा, क्योंकि वो जान के जो दूसरा कोई बता देता है वो थोड़ा सा ना फिर वो हो जाता है। You never know. देखें, मैं आपको यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहती हूँ कि जब कोई दूसरा बता रहा होता है तो आप क्या क्या कर रहे होते हैं। इसी तरह हम यहाँ एक एक्टिविटी करने वाले हैं कि जो शहजाद हैं उनके आगे होगा पर्दा, और तीनों हमारी हीरोइन है, हमारी मोमल भी हीरोइन से कम नहीं है। एग्जैक्टली क्या बड़े ड्रामों में पूरे हीरोज को अपने आगे पीछे नचा रही होती है यहाँ। तो हमारी जो तीनों हीरोइंस हैं ये बिल्कुल कहने पे चलेंगी शहजाद के, जो जो शहजाद कहेगा ये वही करेंगी। मगर देखना ये है कि ये कैसे कर पाती हैं, कैसे समझ पाती हैं शहजाद की बातों को। आइए टीम, शहजाद आपने सिर्फ एक दफा बोलना, रिपीट ना करना। अब वो ये अपनी समझ से करेगी, वो अपनी समझ से, देखना ये सबसे बेहतरीन समझ किसको आती है शहजाद की बात। ओके जी, अब हम क्या करने वाले हैं, ये तीनों हसीन खूबसूरत हीरोइंस जो हैं इनसे हम घरेलू टास्क करवाने वाले हैं। एक्चुअली तो जिंदगी में देखो सबको करने पड़ते हैं, चाहे कोई फिल्म की हीरोइन हो, लेकिन जिंदगी में सारी खवातीन को, लड़कियों को एक ही काम करना पड़ता है, वो जो शहजाद आप लोगों से करवाने वाले, करवाने वाले भी मर्द होते हैं, क्या करें। और मुझे सख्त नफरत है ऐसे। ये क्यू कार्ड मुझे मिल गया तो मुझे एक एक को टास्क देना है कि सबको टास्क? आपने सबको एक साथ टास्क देने हैं और देखते कौन अपना टास्क सबसे पहले खत्म करता है। तुम लोग चाहे किसी को धक्का देके भी जो है ना वो आगे बढ़ सकते हैं। ये कर लो, दो चार सेगमेंट ऐसे ऐसे होने चाहिए, हमारा शो खत्म हो जाएगा। सेगमेंट नहीं आ रही, क्या जीतेगा कौन? मोमल, मोमल जस्ट किडिंग गाइस, मुझे लगता है अदिति जीत जाएगी, मुझे लग रहा है। सही लग रही है, सही है ना, बहुत बड़ी गुन्नी है। बता रही हूँ मैं, मासूम का चेहरा लेके ना सब सबसे आना अदिति। ओके जी, कभी ना यूं करके यूं आप तीनों आप पर्दे के पीछे जाइए, चले पर्दे के पीछे जाएं, और सिर्फ मैं और आप लोग इनको देख सकते हैं, शहजाद इनको नहीं देख सकते। आप लोग रेडी हैं? ओके शहजाद रेडी, गेट सेट गो। अंडे की जर्दी अलग करो, सफेदी और सफेदी अलग करो। क्या क्या रिपीट नहीं हो सकता? भी नहीं मिला। अंडे की 10, 9, अंडे की 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट टास्क सुई में धागा डालना है। 10, 15 सेकंड देंगे, बहुत मुश्किल 10 सेकंड में। ओके 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट टास्क, शर्ट को ऐसे फाड़ो कि डब्ल्यू वर्ड बन जाए, शर्ट को ऐसे फाड़ो कि डब्ल्यू वर्ड बन जाए, और टाइम 15 सीजर भी है, सीजर भी है, टेन डब्ल्यू डब्ल्यू वजूद वजूद डब्ल्यू 12 मिलके कर लो, मिलके कर लो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया, कट गया। तीनों डब्ल्यू पकड़ के खड़ी हो जाओ। ये क्या है? ये वी है, ये क्या है? नेक्स्ट टास्क इज रंग मिले पानी में से चने या आप कंचे मिक्स करो। मिक्स नहीं करो, अलग करो, अलग करो, हाँ से कंचे और चने अलग अलग करो, जो मिक्स हुए उनको अलग करो, हाँ जो मिक्स हुए ना चने। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओए ओए ओए, लड़कियों ने कुछ कर लिया, अदिति ने थोड़े से चने अलग किए और उसने कंचे अलग किए, दोनों ने मिलके कर लिया, और मोमल ने नहीं कर पाए।
मिक्स राइट. प्रोड्यूसर फेल हो गई, दोनों लड़कियां ने कर लिया. ओके जी, नेक्स्ट टास्क. नेक्स्ट टास्क इज सिलबट्टे में लहसुन पीसते हो. ओए क्या सिलबट्टे पे लहसुन पीसता है? ये काम पता नहीं हमारी हीरोइंस ने किया होगा कि नहीं. क्यों, क्या क्या क्यों करती है लोग सिलबट्टे पे इन्होंने लहसुन पीसना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सबसे अच्छा लहसुन जो है मोमल ने पीसा. सेकंड पे सईदा ने, और अदिति ने तो बस ऐसे धड़ धड़ मार रही थी जैसे हल्का हल्का. ओके जी, नेक्स्ट टास्क. नेक्स्ट टास्क इज गुब्बारा फुलाओ और उस पे वजूद ब्लॉकबस्टर मूवी लिखाओ. ऐसे गुब्बारा फुलाओ जिसमें वजूद ब्लॉकबस्टर मूवी लिखा हो. 15 सेकंड्स है आपके पास, छोड़ दो ना फुला के अगर नहीं लिखा तो. नेक्स्ट पे आ जाओ. अच्छा ओके, खुद ही लिख रही है उसे. 15, 14, 13. लिखना नहीं है, लिखना है. मुझे देखना है कि अदिति कैसे लिख रही है, दिखाना जरा. अब साइज थोड़ी का गुब्बारे का छोटा वाला ही है. वजूद ब्लॉक बस्टर क्यों छोटा वाला ही है. ओके आखिरी टास्क. गुब्बारा वाला साइज नहीं बोला था. लास्ट टास्क इज न्यूज़पेपर पे लिखना है कि वजूद जरूर देखें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. देखिए हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है माशाल्लाह से. आपको फिल्म में भी हैरान कर दिया और यहाँ शो में भी हैरान कर दिया. सारे टास्क तकरीबन कंप्लीट कर दिए. ऐसे नहीं होना चाहिए, खुदाफिस गाना होना चाहिए और हमारी हीरोइनों के साथ वजूद देखने जाइए.